सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो वैकेंसी निकली वो आप देख सकते हैं। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी की तरफ से इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो वैकेंसी निकली इसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट हो, यानी कि सभी राज्यों के कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे पहले बताना ज़रूरी है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में। साथियों, वैकेंसी निकली है, बता दिया मैंने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेवाड़ी की तरफ से भर्ती का ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। पोस्ट या पद का नाम आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें LDC क्लर्क की पोस्ट है आप देख सकते हैं। टोटल पदों की संख्या की बात करें तो दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट है 30। साथियों, इस प्रकार की जो वैकेंसी या भर्ती निकलती है वो सार्वजनिक नहीं होने के कारण इस प्रकार की वैकेंसियों में भीड़ बहुत कम होती है। तो साथियों, जो कैंडिडेट इसके लिए योग्यता रखता हो, ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट जो बताई गई योग्यता रखता हो, वो कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें। साथियों, संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ क्या क्वालिफिकेशन योग्यता और किस प्रकार अप्लाई करना है और अंतिम तिथि क्या है और ऑफिशियल साइट विस्तृत से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। दोस्तों, मैंने पोस्ट बताई, पद का नाम बताया, अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें वेतनमान। तो वेतनमान के बारे में इसमें स्पष्ट तो बताया गया नहीं, ये बताया गया कि पे बैंड, ग्रेड पे, ODA या अनाउंस आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट के अनुसार यहाँ 7th पे कमिश्नर के अनुसार आपको अच्छा इसमें वेतनमान मिलने वाला है। आगे बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन, तो कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ बताया गया कि कैंडिडेट किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि BA स्नातक हो या BSc या किसी भी सब्जेक्ट से BCom पास कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसमें ये भी बताया गया, आप देख सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट जो इसके साथ अप्लाई कर रहा है उसने 10th में हिंदी सब्जेक्ट उसने 10th कक्षा में पास की हो, यानी कि उसके पास 10th कक्षा में हिंदी सब्जेक्ट जरूर कंपलसरी हो, ऐसा ही कैंडिडेट इसमें अपना आवेदन पत्र भर सकता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। इसमें किसी प्रकार का कोई आपकी टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होने वाला, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जिसमें दोस्तों इंग्लिश कंपोजिशन और इसके साथ ही जनरल नॉलेज से संबंधित आप देख सकते हैं 100 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आप देख सकते हैं 33% आपको पास मार्किंग इसमें बताई गई है। और इसके साथ ही दोस्तों आगे आप देख सकते हैं आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु आप देख सकते हैं, आयु की गणना 1/1/2018 के आधार पर की जाएगी। मिनिमम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। SC ST को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष और OBC वर्ग को 3 वर्ष की इसमें छूट दी जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको अपना फॉर्म अप्लाई किस प्रकार करना है। तो साथियों, आपको अपना फॉर्म ऑफलाइन भेजना है। इसके साथ ही अपना आवेदन पत्र भेजने की जो अंतिम तिथि है वो देख सकते हैं 3/12/2018 से पहले कैंडिडेट को अपना फॉर्म अवश्य भेजना होगा। यानी कि इसमें ये भी बताया गया कि 3/12/2018 के बाद जो आवेदन पत्र पहुंचते हैं उन पे किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप इस भर्ती की विस्तृत जानकारी देखना चाहें तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है districts.eco.gov.in देवारी। इस साइट पे जाकर भी आप इस भर्ती की विस्तृत जानकारी देख सकते हैं और अपना फॉर्म वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के प्रकार आपको इसका जो परफॉर्मा है एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करने के पश्चात उसको अच्छी तरह, मतलब कि दोस्तों किसी प्रकार की कोई कटिंग नहीं करके संपूर्ण सावधानी के साथ भरना है और बताई गई अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन पत्र आपको भेजना है दोस्तों। अब बताया गया दोस्तों आपका लिखित एग्ज़ाम कब होने वाला है उसकी भी संपूर्ण जानकारी के बारे में आप देख सकते हैं। डेट ऑफ लिखित एग्ज़ाम, राइटन जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसकी डेट आपको इसकी ऑफिशियल साइट भी बता दी जाएगी। तो दोस्तों आप समय समय पर इसकी ऑफिशियल साइट को चेक करते रहें। जो आपको अपना आवेदन पत्र भेजना है उसमें सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड उनकी फोटोकॉपी भेजनी है। और जो अपने आवेदन पत्र आप सादे कागज़ पे भी भेज सकते हैं जिसमें बेसिक आपका नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, संपूर्ण जानकारी, या इसकी ऑफिशियल साइट पे जाकर इसका फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड करके
और संपूर्ण जानकारी आप जहाँ देख सकते हैं ये बताया गया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दूंगा, इस ऑफिशियल साइट को पढ़ने के पश्चात अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। दोस्तों जो आप अपना आवेदन पत्र भेज रहे हैं उसमें बताया गया है कि आपको ₹5 की टिकट लगानी है और अंतिम तिथि से पहले डाक के द्वारा आपको भेजना होगा। साथियों नीचे हम चलते हैं कि इसमें बेसिक सामान्य जानकारी के साथ ये बताया गया कि जो अधूरा आवेदन पत्र रिजेक्ट किया जा सकता है दोस्तों, इसलिए पूर्ण सावधानी के साथ अपना आवेदन पत्र भरें। तो आप इस भर्ती से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे इस वैकेंसी की जानकारी आपकी उन दोस्तों तक भी पहुँच सके जो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकें। दोस्तों अच्छी पोस्ट हैं और अच्छा इसमें वेतनमान मिलने वाला है और सभी राज्यों का कोई भी कैंडिडेट जो बताई गई योग्यता रखता हो वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है।